क्या हो गया था, कब से इंतजार कर रहे हैं? क्या करें अब, कुलजीत वीर जी पूरी मुंबई घुमा रहे थे। तो अच्छी बात है ना जी, बच्चियां कब से इंतजार कर रही थी, बुलाऊं जी उन्हें? छिट छिट जल्दी बुलाइए उन्हें जी, अभी अभी। आहाना तनु, अच्छा बेटा, अच्छा ये है मेरी छोटी बेटी आहाना। नमस्ते। ए मेरी बच्ची। तनु बेटा जल्दी आओ, सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। ये तेरी वाली है ना? ये है हमारी तनु। अब बस 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 खुश रहो। नहीं 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 पुत्र, हमारे यहां बेटियां पाँव नहीं छूती। मजा करा पुत्र। आप लोग बैठिए ना, मैं पानी वानी लेकर आती हूँ। हाँ, पानी लेकर आओ। तनु बेटा आ जाओ। ठीक करी से। अरे ये सब दिख रहा है, दुपट्टा ठीक कर। कम ऑन मॉम, एक तो इतनी मुश्किल से ये भेंजी सूट मैंने टेलर को बोल के सेक्सी करवाए, पर आप एक देखना हर जगह से लूज करके रखा हुआ है। जबकि लूज कुर्ता ऐसा है तो टाइट कैसा होता होगा। अच्छा मम्मी वैसे ऋषि कहाँ है? ऋषि को मैंने ट्रेवल एजेंट के पास भेजा है। देख तो ऐसे रही है जैसे अभी खुद के मंडप में बैठ जाएगी। और बताइए क्या हाल चाल है? वीरेंद्र वीर जी की बेटियां उन्हें अपनी बेटियां बना ले। नहीं नहीं तो बहुत बड़ा दिल है। हाँ वो तो है। अरे हाँ वो तेरी दो लड़कियां थी ना, वो क्या नाम था उनका? हाँ नेहा और स्वाति, वो नजर नहीं आ रही। आंटी वो क्या है ना, माँ ने उन्हें, चाची भी तो माँ जैसी ही होती है ना, चाची ने उन्हें हायर एजुकेशन के लिए ना बैंगलोर भेज दिया। वाह वाह वाह, कितनी होशियार है मेरी बेटियां, झट से सब कुछ संभाल लिया। क्या संभाल लिया? ओ वीर जी, इनके कहने का मतलब है कि तनु और आहाना को बिल्कुल अपनी सगी बहनों जैसा संभाल लिया है कि नहीं जी? ऋषि और तनु की रुखी की रस्म कली पूरी कर देते हैं। लेकिन एक बार ऋषि से कल सुबह कर रहे हैं ना? मेरी बात से सुनिए, ये क्या किया आपने, रुका तय कर दिया? तो देखिए आपने अमेरिका में वादा किया था कि हाँ या ना कहने का एक मौका देंगे ऋषि को। 17 साल पहले भी मैंने एक वादा किया था अपने दोस्त से कि ऋषि और तनु की शादी होगी। ऋषि की शादी तनु से नहीं हुई तो ऋषि की जान को खतरा है। अब फिर से इस कुंडली के चक्कर में पड़ गए, उस देहात से मेरे बेटे की शादी। अब यही देहातन तनु ना तुम्हें अमेरिकन बहू बन के दिखाएगी। अरे वाह मेरी कुड़िये। वैसे अच्छा फंसाया तूने उस बुड्ढे को, उसे तो पता ही नहीं चला कि तनु का तानपुरा तो यहाँ कभी बचा ही नहीं था। बेचारे तनु पता नहीं कहाँ सड़कों पर भटक रही होगी। छोड़ो तनु को, उसके देहाती कपड़ों ने तेरी किस्मत तो बदल दी। देखो आप ना आपकी किस्मत को छोड़िए और मेरी बात ध्यान से। तेरी बात सुनते सुनते मैंने वतन छोड़ दिया, अब मेरी बात सुन और मेरी बात पल्ले बांध ले, ये शादी होके रहेगी। 17 साल पहले ये शादी नहीं होने दी तो अब कैसे होने दूंगी? अब मैं नहीं, खुद ऋषि रोकेगा ये शादी।
ऋषि टिकट आ गए? हाँ कल रात की। लेकिन तुम लोग कल सुबह निकल जाना। कहाँ चले जाए? तुम्हारे पापा जी ना यहाँ पर कुंडली मार करके बैठ गए हैं, उनको ना अमेरिका उठा करके लेके जाना होगा, नहीं तो ना वो उस देहातन के साथ ना तेरा पल्लू बांध ही देंगे। कौन देहातन? अरे वो तन्नु। क्या सोच रहे भाई? तनु एक बार मिल सकता? नहीं नहीं, मेरा शोलो, मेरा मोनो, मेरा राजा, मेरी बात सुन। देख, अगर तूने उस लड़की से शादी करने को ना कर दिया ना, तो पता है मैं तेरे को क्या दूंगी? क्या दोगे? फरारी। लुआ ने? हाँ, ब्रांड न्यू ब्लू फरारी। स्वीट। मैं पूरी जिंदगी शादी नहीं करूंगा, मुझे क्या मिलेगा? अगर तेरे पीछे भी कोई तन्नू जैसी पड़ी होती ना, तो तेरे को जरूर दिला देती। वैसे मॉम एक बात बताओ, आपने उसके आपसे शादी क्यों नहीं की? उस जलाद से क्यों? आप पापा जी को छोड़ दो। नहीं। क्यों? अगर पापा जी नहीं होते तो तुम लोग कहाँ से आते? थोड़ा बहुत प्यार उनको कर लिया करो। मैं लड़की को ना बोल देता। प्रॉमिस। प्रॉमिस। पापा जी आरती। एक मिनट पुत्र। माता रानी मेहर करें। मम्मी जी आरती। बेटा मुझे तो तुझमें ही माता का रूप दिखाई दे रहा है। अब देख, ये माता तेरा माथा कैसे घुमाती है बुड्ढे। रानो वो रोके की रस्म के लिए जो शगुन लाए थे वो लाना जरा। मैं देखती हूं। तनु आहाना आप दोनों? जी जी वो चाचा चाची। चाचा चाची पर तुम दोनों हो कौन? ये मेरी बहन है और मेरा नाम है। तुम दोनों कहाँ रह गए थे? तुम दोनों कोई तकलीफ तो नहीं हुई आने में? मेरी प्यारी बच्चियां कहाँ थी, इतनी देर क्यों लग गई? वही जहाँ आप हमें छोड़ के आई थी, ट्रेन में। आप क्यों नहीं आए चाची जी? तो पता है हमें कितनी तकलीफ हुई है यहाँ आने में। कोई बात नहीं बेटा, आजो लंगे आओ। तुम दोनों बिल्कुल सही वक्त पर आए, वरना बहुत देर हो जाती। पर जाई जी, रोक के भी बुलाया इन दोनों को जी। रोका? लेकिन जाई रे, आपने बताया नहीं कौन है ये बच्चियां। वो जी वीर जी, ये दोनों ना मेरी दूर की रिश्तेदार है। आप रस्म पूरी कीजिए ना, ये मैं इनको इनका कमरा दिखा कर लाती हूँ। बेचारी बच्चियां दोनों थक गई होंगी। चलो बेटा चलो, तुम्हारा कमरा दिखा देते हैं। भाई क्या हुआ? मॉम को पोता देने का वादा पूरा कर पाओगे ना? पता नहीं, ज्यादा तो नहीं लगी। जैकेट दे।
ये मेरे बस का नहीं है, इलेक्ट्रीशियन ही बुलवाना पड़ेगा। मैंने उसे नहीं देखा है ना, पर देखते ही पहचान लूंगी कि वो आ गया है। तुम तनुदी बर्फ ठीक हुआ? मैं ठीक कर देता हूं। आ, 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 तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ।